चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट वे था रिप्रेजेंटेशन का, ये आपको सेकंड वे और रिप्रेजेंटेशन में दे रखा है, तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है डेल्टा को ई माइनस वन सब्स्टिट्यूट वन की, आपको पहले से यहाँ पे ई में दे रखा है। तो आपने यहाँ पे सिंपली करना, सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, ई को रिप्लेस करते हैं विद एम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप अगर एम स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू एम प्लस थ्री स्क्वायर करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा ये आपका बन रहा है एम प्लस थ्री का होल स्क्वायर। यहां से आपको दो रूट्स मिलेंगे, तो आपको एक रूट मिला है एम स्क्वायर टू माइनस थ्री, दूसरा मिला है एम स्क्वायर टू माइनस थ्री। तो दोनों रूट्स कैसे मिले आपको, रूट्स आपको जो मिले हैं वो आपको मिले हैं रियल, तो कहीं आपको आई दिख रहा है नहीं, तो मतलब यह रियल है। और दूसरा आपको कैसे मिले, रूट्स मिले इक्वल, ये आपको बन गए केस टू। तो केस टू में हमारे पास क्या था, सी एफ, हमारे पास सी एफ बन जाएगा सी वन प्लस सी टू इंटू एन है, जिनको कंफ्यूजन है सी टू की पावर एन है, सी टू इंटू एन है। और आपको जो रूट दे रखा है दैट इज माइनस थ्री की पावर एन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे होगा वाई एन विल बी इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आप निकाल चुके हो, और अगर गौर से देखो क्या इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड है, नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, पी आई क्या हो जाएगा इसका, जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड की हेल्प से ही हम लोग पी आई निकाल पाते हैं। जब आपका राइट हैंड साइड ही जीरो दे रखा है तो आपको पी आई भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल टू जीरो। सो व्हाट योर राइट आंसर इज, फाइनल आंसर क्या होगा, वाई एन विल बी इक्वल टू सी एफ, और सी एफ आपका क्या है सी वन प्लस सी टू इंटू एन माइनस थ्री की पावर एन। सो दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वाई, करेक्ट।